बेकन एसेज कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वहां पे देखा था फर्स्ट पैराग्राफ कितना अच्छा लिखा हुआ था और उसका इंट्रोडक्शन बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह के इंट्रोडक्शन, इस तरह के जो भी आप लोगों के पैराग्राफ्स आते हैं, काइंडली बेटा उनको देखा करें। और वर्डिंग आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। बाज़ोकात स्टूडेंट्स कुछ यूं करते हैं कि एक ही लाइन के अंदर ना रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स। अभी एक स्टूडेंट का पेपर रीचेक करवाया था, उसके 277 मार्क्स थे और पोइट्री में सप्ली थी। पंजाब यूनिवर्सिटी से ये पेपर पास करना आसान काम नहीं है, और उसकी सिर्फ गलती क्या थी, बाकी सारे पेपर्स में उसके मार्क्स आए हुए थे 75, 69, 68, 71, इस तरह से उसके मार्क्स थे, और एक उसकी पोइट्री में सप्ली थी। जब हमने पेपर उसका रीचेक करवाया तो हमने ये देखा कि जी उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, उसने जॉन डन के स्पेलिंग गलत लिखे हुए थे, डन के DONE लिखा हुआ था, DOEE होता है, उन्होंने वहां पर पूरा रेड मार्क कर दिया उसको। फिर उसने सटायर के स्पेलिंग्स गलत लिखे हुए थे, इस तरह से उसने बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स की हुई थी, जिसकी वजह से जो है काफी उस बेचारी को उन्होंने होली फेल कर दिया, यानी कि एक एक क्वेश्चन में उसके 3-3 मार्क्स लगे हुए थे, सिर्फ क्यों, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। बेटा अगर आप लोगों की कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उनको करेक्ट करें। दूसरी चीज, आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है आप उसको ये समझ लें कि दैट इज योर फर्स्ट इम्प्रेशन, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, सब कुछ था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स उसका पोइट्री का जो पेपर है ना उसमें उन्होंने उसको इतनी सी बात पे फेल कर दिया। यही चीज आपको बताती हूँ कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट गलती करता है। मैंने उस वक्त भी स्टूडेंट को यही कहा था, मैंने कहा बेटा कहीं ना कहीं आप गलती करके आए हो, क्योंकि चार पेपर में भी तो आपने ही मार्क्स लिए ना, एक पेपर में कैसे गलती हो गई। तो वो जब उसने खुद से देखा अपना पेपर, उसने कहा मैम सिवाय स्पेलिंग मिस्टेक्स के और कुछ भी नहीं था। तो इसलिए बेटा जिस जिस की स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, जिन जिन की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, क्योंकि अभी मैंने देखे थे काफी सारे, एक ऐसा टेस्ट भी आया था जिसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत थी और उन्होंने अपनी तरफ से वर्ड्स भी बनाए हुए थे बीच में जो कि इंग्लिश के थे ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी वहां पे जाके, क्योंकि देखें बेटा मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर का मतलब ये है कि आपको हर चीज आती है, आपकी ग्रामर भी स्ट्रांग है, आपके जो है स्पेलिंग्स भी स्ट्रांग है, आपकी ईच एंड एवरीथिंग स्ट्रांग है। रही बात बेकन एसेज की, ठीक है, इसमें जस्ट मेक योर पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स आपके जो हैं वो जो नोट्स हैं आपके उसके एंड पे बने हुए हैं, उन पॉइंट्स को अगर कहीं आपको लगता है कि जी ये सारे एसेज मैं नहीं याद कर सकती, जस्ट मेक द पॉइंट्स, ठीक है, उनको हाईलाइट करें और उनको बड़े आराम से आप लोग जो है इसको उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा याद करना शुरू कर दें। ठीक है, तो वो आपका इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये भी मसला हल हो जाएगा कि जी सही सम मतलब हम नहीं इतने सारे याद करें, जस्ट मेक द पॉइंट्स कि जी इसके अंदर मेन मेन चीजें ये हैं। और स्टडीज के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि और स्टडीज में क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा, अच्छा जी, इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, फ्रांसिस बेकन द फर्स्ट मेजर इंग्लिश एसेस्ट कमेंट्स फोर्सफुली ऑन द वैल्यू ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग। फ्रांसिस बेकन जो है वो फर्स्ट मेजर इंग्लिश एसेस्ट है जिसने कमेंट किया वैल्यू ऑफ रीडिंग और लर्निंग के ऊपर एज अ कैपेशियस एंड प्रेगमेटिक माइंड ऑफ रेनेसा। ठीक है, कैपेशियस और प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक किसे कहते हैं, वर्ल्डली विजडम, जिसके दिमाग के अंदर वर्ल्डली विजडम कूट कूट के भरी हुई होती है, उसको कहते हैं प्रेगमेटिक माइंड ऑफ रेनेसा। बेकन ड्वेल्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टडिंग बुक्स एंड देयर यूजेस इन हिज एसे ऑफ स्टडीज। द एसे अपीयर्स टू द इंटेलेक्ट एज ही यूजेस सेवरल मेनी रिटोरिक डिवाइसेस एंड सब्सटेंशिएशंस ऑफ प्रूफ हिज आर्गुमेंट। हिज केयरफुल ट्राइपार्टाइट divisions of studies expresses succinctly in aphoristic prose demands the complete attention of the mind of the reader. He wrote what now we would call reflective or serious essay. Usne wo cheez likhi jisko aaj hum reflective or serious essays kehte hain. They are short pieces dealing with the philosophical ideas filled with aphorism and putting forth a personal
point of view, but expecting readers to accept his ideas and recognize their validity. Some of his works are of truth, of death, of adversity, of envy, of love, of friendship, of nature in men, or of building. He wrote what now called we could call reflective or serious essays. They are short pieces dealing with philosophical ideas filled with aphorism. Aphorism kehte hain short witty statements ko, theek hai, jaise hum quotes bhi kehte hain, jaise hum hikmat wali baatein bhi kehte hain. And putting forth a personal point of view. Ye jo knowledge is power hai, aapko pata hai ye kiski quote hai? Ye Bacon ki quote hai, knowledge is power. But expecting reader to accept his ideas and recognize their validity. Some of his works are of truth, of adversity, of envy, of love, of friendship, of nature and men, of building, of gardens, of studies, the last of which is probably his best known. Bacon essays are serious thinkers, sharing of highest ideas. The very titles of his essays suggest that he was a great thinker and induce the reader into deep contemplation. The purpose dictates his tone and style. As we notice that the tone of his essays is serious and solemn, as it has sanctity of a religion, yet they provide a convincing argument that came from Bacon's profession as a lawyer. Summary and critical appreciation dekh lete hain. Ye to abhi humne introduction dekha tha. ठीक है, he instigates that studies serve us by giving us pleasure. वो instigate ये करता है कि जो study है ना, ये हमें ऐसे serve करती है, serve हमें कैसे करती है, वो हमें pleasure देती है by asserting us with self improvement and enhancing our capability in profession. और वो क्या करती है, हमें assist करती है कि हमारे अंदर self improvement आए और enhance करती है हमारी capability हमारे profession के अंदर. ठीक है, जिन लोगों को बुक रीडिंग की आदत होती है, जो लोग स्टडी, जिनकी स्टडी बहुत ज्यादा होती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखें वो बहुत ज्यादा होता है और इवन उनके अंदर कैपेबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होती है. ही कंसीडर्स द इविल ऑफ एक्सेस स्टडिंग, और वो कंसीडर ये भी करता है कि इविल ऑफ एक्सेस ऑफ स्टडी, यानी कि स्टडी अगर हद से ज्यादा बढ़ी हुई हो तो क्या होता है, एज ओवर रीडिंग लीड्स टू लेजीनेस, वैनिटी एंड प्रीकॉसिटी. वो कहते हैं कि सिर्फ उसने उसके जो है प्रोज नहीं बताए बल्कि उसके कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स दोनों उसने बताए, यानी कि इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स दोनों उसने बताए. तो उसने कहा कि अगर स्टडी ओवर रीडिंग जो है वो हमेशा लीड करती है, या तो इंसान लेजी हो जाता है, उसकी वैनिटी यानी कि वो थोड़ा सा प्राउड हो जाता है, जिसे कहते हैं ना इल्म का तकब्बुर जो है वो सबसे बुरा तकब्बुर है, ये वो वाली वैनिटी है, यानी कि लोग सिर्फ इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि यार चार लोगों के दरमियान में बैठ के हम बात करेंगे. एंड प्रीकॉसिटी, एजुकेशन एक्सट्रैक्ट्स द बेस्ट इन अस, एजुकेशन जो है वो हमारे अंदर बेस्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट करती है. एंड एक्सपीरियंस फर्दर परफेक्ट्स इट, बिकॉज एक्सपीरियंस टीचेस अस द प्रूडेंस टू कंसीडर ओनली द यूजफुल इंफॉर्मेशन and eliminate unnecessary detail. Education jo hai wo hamesha extract karti hai best in us, aur experience karti hai further perfect it, aur usko perfect karti hai. Kyun? Kyunki dekhiye, ek aap education hasil karte hain, uske baad aap ek experience life mein aate hain. Jab like ab jaise main ab ek experience life mein aa gayi hu, maine aapko bataya all the maine yahi syllabus padha hai jo aaj mere bacche padh rahe hain. लेकिन मुझे आज एहसास हुआ है कि जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं ये तो इररिलेवेंट है सारा, ये तो आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल ही कोई नहीं होना. ये हमारी लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस से टोटली ऑपोजिट कोई चीज है जो हमें पढ़ाई जा रही है. इससे कहीं ज्यादा बेहतर है हम लोगों को प्रैक्टिकल बनाया जाए, हम लोगों को प्रोफेशनल बनाया जाए. तो ये चीजें जो है वो अभी जो है हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, बल्कि और कुछ ऐसी चीजें आ चुकी हैं जो कि इररिलेवेंट है. और अगर हम उन चीजों को देखें इन वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस की नजर से, तो आपको अंदाजा होगा कि भाई आधे से ज्यादा वैसे ही रेलेवेंट है, मतलब उनके पढ़ाने का शायद कोई फायदा नहीं है, या वो जस्ट हमें प्राउड कर रही है या लेजीनेस की तरफ जा रही है. फिर क्या होता, बच्चा पढ़ाई से भागना शुरू हो जाता है जब वो ये देखता है कि मुझे इतना सारा पढ़ना पड़ता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं.
After discussing the function of education, Bacon moves to imbibe the right attitude towards acquisition of knowledge. और इसको डिस्कस करने के बाद वो फंक्शन ऑफ एजुकेशन की बात करता है. वो कहता है कि बेकन मूव्स ऑन टू इम्बाइब द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. वो हमें इम्बाइब करता है, वो फोर्स करता है कि हमारा ये जो नॉलेज हम एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज क्या होती है, जो हम एक सोसाइटी से एक नॉलेज एक्वायर करते हैं. एक है मैं बाय बर्थ मेरे अंदर एक नॉलेज है, लाइक इंसान जो है उसको पता है कि खुदा है, वो जब पैदा हुआ उसको पता है कि कोई एक ज़ात है जिसने कायनात बनाई है, देयर इज ओनली वन गॉड. ठीक है, तो ये हर इंसान, हर मतलब हर उसमें ये चीज बड़ी कॉमन है. तो ये एक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, ये बाय बर्थ है हमारे अंदर आई थी. कुछ चीजें ऐसी हैं जो आ चुकी हैं, लेकिन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज क्या है, जो आप एक सोसाइटी से ले रहे होते हैं, जो आप एजुकेशनल लेवल से ले रहे होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से. इस वक्त जो आप कर रहे हैं ये आप एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, आप एक्वायर कर रहे हैं नॉलेज. ठीक है, तो दैट इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. कनिंग पीपल डिसलाइक रीडिंग, जो बहुत तेज लोग होते हैं, कनिंग चालाक लोग होते हैं, वो डिसलाइक करते हैं रीडिंग को. क्यों? क्योंकि उनके अपने ही हरबे काफी होते हैं. एज नॉलेज माइट टीच देम दोज लेसंस दैट माइट बी inimical or contradictory to their self-interest, they are too rigid to change themselves. Destitute people admire education as possessing it as a goal for them. Or destitute people जो है admire करते हैं education को as possessing it as a goal. क्यों? क्योंकि उस इसको possess करना, education को possess करना उनका goal होता है. However, the right approach towards studies is to adopt and comply with it. हालांकि जो right approach है towards study वो क्या है कि आप इसको adopt करें education को और comply करें with it, which can be possibly only after careful observation and experience. जो कि सिर्फ उस वक्त possible होती है जब आप careful observation और experience के तहत उसको हासिल करते हैं. Bacon advised to acquire knowledge neither to argue or attack nor to deliberately display it as a jewelry. Bacon ye bhi advise karta hai ki knowledge ko acquire na to argue kar, matlab argue karke kiya ja sakta hai, na hi usko attack karne ke liye, na hi to deliberate display as a jewelry, na isko hum as a jewelry yani ki ji humne itni degree le li, but to train the mind to be logical and sensible. हम education क्यों हासिल करते हैं, हम acquire क्यों करते हैं knowledge, to train the mind to be logical and sensible. ठीक है, ये कुछ चीजें हैं कि वो ये बात करता है कि वो हमें advice करता है कि जी आप इसलिए knowledge acquire ना करें कि आपने कहीं पे argue करना शुरू कर देना, या आपने कहीं मतलब argumentation और de-argumentation या attack लोगों के. देखें बाज़ औक़ात हमारे जब two viewpoints होते हैं तो लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं. ठीक है, वो कहता है ये भी नॉलेज एक्वायर करने का कोई फायदा नहीं अगर आप ये भी कुछ कर रहे हैं, ना ही आप डेलिबरेटली इसको डिस्प्ले करना शुरू करते हैं जी मेरे पास बड़ा नॉलेज है. जहाँ पे इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है वहां पे भी लोग बोलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे जरूरत है वहां पे बोले ना. और इसी तरीके से हम एडवाइस भी हर जगह करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे जरूरत हो वहां पे बोला जाता है. नॉलेज कभी भी झाड़ने के लिए हासिल नहीं किया जाता. दैट इज द बेसिक थिंग कि लोग लर्न्ड पर्सन से दूर भागते हैं. मैं एक दिन हॉस्पिटल गई और वहां पे एक बड़ी प्यारी कोट लिखी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था स्पीक लाइक दिस पीपल लव टू लिसन यू, स्पीक लाइक दिस पीपल लव टू लिसन यू एंड लिसन लाइक दिट सॉरी लिसन लाइक दिट दिस people sorry speak like this people love to hear you and listen like this people love to talk to you. theek hai, aise baat kare ki log aapko sunna pasand kare aur aisi baat aur logon ki baat is tarah sune, itne gaur se sune ki log aapse baat karna pasand kare. people love to talk to you ki unka dil kare ki wo aapse baat kare. तो ये कुछ चीजें होती हैं जो रिलेशंस को बिल्डअप करती हैं और ये बड़ी जरूरी होती हैं. ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि हर जगह नहीं बोलते होते, बहुत कम. लाइक अब ये क्लास है, इसमें मौका मिलता है तो मैं बोल देती हूँ. ऐसी बात नहीं है कि सारा दिन ये लेक्चर ही चलते रहते हैं और फिर मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ. आई मतलब जहाँ पे जरूरत होती है बोल बात वहां पे की जाती है, हर जगह नहीं की जाती. ठीक है, तो ये चीजें. He divides the book into three categories. अब वो divide करता है किताबों को three categories के अंदर. अब देखते हैं वो कौन सी है. Those to be read in parts,
ऐसी किताबें जिनको पार्ट्स में रीड किया जाता है, लाइक डिक्शनरी, लॉ बुक्स. ठीक है, डिक्शनरी को हम देखते हैं, हम उसको वर्ब्स, एडवर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, फिर लॉ बुक्स भी इसी तरह होती है. दोज टू बी रीड एंटायरली आउट ऑफ नेसेसिटी, और कुछ ऐसी किताबें होती है जिनका हम नेसेसिटी बेस के ऊपर रीड करते हैं. एंड दोज टू बी रीड विद केयर, कुछ ऐसी किताबें होती हैं जिनको हम विद केयर, डेलिजेंस एंड सिंसेरिटी पढ़ते हैं. यानी कि होली बुक्स हो गई. इसी तरह अगर आपको इंटरेस्ट है मेडिकल की बुक्स में, आप रिसर्चेस पढ़ना शुरू कर देंगे, आप कुछ हो, तो वो क्या होता है, केयर, डेलिजेंस और सिंसेरिटी के साथ आप पढ़ रहे होते हैं. सर्टेन बुक्स आर टू बी रीड आउट ऑफ नेसेसरी इन ऑर्डर टू सपोर्ट एन आर्गुमेंट और टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. कुछ ऐसी किताबें भी होती हैं कि वो आपके लिए एक नेसेसिटी बन जाती हैं. क्यों? क्योंकि आपको किसी क्वेश्चन को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है या किसी आर्गुमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है, तो फिर आपको किताबें छांटनी पड़ती हैं. बट दीज बुक्स डू नॉट सर्व ह्यूमैनिटी एट लार्ज. लेकिन इस तरह की किताबें ह्यूमैनिटी को एट लार्ज जो है सर्व नहीं करती. ठीक है, ह्यूमैनिटी देखें, आप मैथ्स खोल के देखें ना, उसमें सिवाय कैलकुलेशंस के वो आपको नहीं बताएगा कि ह्यूमैनिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं. मैथ्स आपको सिर्फ ये सिखाएगा कि कैलकुलेटेड लाइफ जो है वो गुजारो. और इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इररेलेवेंट होती हैं और इंसान को तजस्सुस में डाला हुआ है, और तजस्सुस जो है वो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहा होता है और हमें पता भी नहीं होता. तो हम ऐसी ऐसी किताबों के अंदर घुस जाते हैं कि जो उल्टा वेस्टेज ऑफ टाइम होती है. और इस वजह से बुक को बहुत देख के सेलेक्ट किया करें. यूट्यूब चैनल पर अगर आप कोई चैनल देखें, उसको ज़रा देख के सेलेक्ट किया करें कि इज इट द वेस्टेज ऑफ टाइम और नॉट. Otherwise, a good book is like filtered water. एक अच्छी किताब नहीं तो, यानी कि अदरवाइज एक अच्छी किताब क्या होती है, वो एक filtered water की तरह होती है. That attracts and serves people irrespective of their culture, caste or creed. जो कि attract करती है और serve करती है people को उनके culture, caste or creed. अभी देखें ना, हम कितनी किताबें पढ़ते हैं, इतनी किताबें पढ़ते हैं, उसमें से बहुत कम होती हैं. देखिए बेटा, इस वक्त दुनिया में इल्म की भरमार हो गई है, भरमार हो गई है. लेकिन अच्छी किताब अगर आपके हाथ में आ गई तो वो आपके लिए जस्ट लाइक फिल्टर्ड वाटर है. लेकिन अगर वो बुरी किताब है, बुरा यूट्यूब चैनल है, बुरी कोई वेबसाइट है, तो वो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेगी और कुछ भी नहीं करेगी. इसलिए हमेशा सोच समझ के जो भी इल्म हासिल करें, वो देख के हासिल करें कि राधर इट इज़ वेस्टिंग माई टाइम और नॉट. इसी तरह से हमने फेसबुक पेजेस बहुत सारे लाइक किए होते हैं सिवाय स्क्रोलिंग के, इसके अलावा हमें और कोई टाइम नहीं मिलता, यानी कि वो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं. इसी तरह हमने इंस्टाग्राम पे सिवाय पिक्चर देखने में, हम सिर्फ स्क्रोलिंग में थाउजेंड्स ऑफ मिनट्स जाया करते हैं. वो फेसबुक पे हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो इंस्टा के ऊपर, और भी बहुत कुछ है, ट्विटर है, हमारे न्यूज चैनल है. ये क्या है, ये भरमार है नॉलेज की, लेकिन उसके अंदर गुड बुक या गुड नॉलेज या फिल्टर्ड नॉलेज नहीं है. यानी कि एक अच्छा जो नॉलेज होता है ना, जो इंसान की पर्सनैलिटी का, देखिए एक तस्वीर आप देख रहे हो, उसमें आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आए, कुछ भी नहीं. ठीक है, तो दैट इज द थिंग, टू अटेन नॉलेज एंड टू सस्टेन इट इज आ चैलेंज. अब अटेन करना नॉलेज को कहाँ से करना है, किस किताब से करना, और उसको फिर सस्टेन भी रखना, ये एक चैलेंज है हमारे लिए. रीडिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू गेन नॉलेज. रीडिंग जो है नॉलेज गेन करने का फर्स्ट स्टेप है, एज इट शेप्स आवर पर्सनैलिटी. रीडिंग हमारी पर्सनैलिटी को शेप करती है. हम किस तरह का मटेरियल पढ़ रहे हैं, उसको किस तरह से एज्यूम कर रहे हैं. बाजू का मटेरियल ठीक होता है, हम एज्यूम गलत कर जाते हैं, उससे क्या होता है, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है. इंटरेक्शन शार्पन्स आवर कम्युनिकेशन स्किल्स. और ये जो इंटरेक्शन होती है नॉलेज के साथ, वो शार्पन करती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल को, एज वी लर्न टू एक्सचेंज नॉलेज, एज क्योंकि हम लर्न करते हैं टू एक्सचेंज नॉलेज, अमेंड और एनरिच इट, उसको अमेंड करते हैं और उसको एनरिच करते हैं. राइटिंग इज ऑफ सुप्रीम इम्पोर्टेंस. राइटिंग जो है वो सुप्रीम इम्पोर्टेंस है. एज विद राइटिंग कम्स परफेक्शन. आपको क्यों डेली असाइनमेंट्स दी जाती हैं, क्यों कहती हूँ कि बेटा पॉइंट्स बनाएं, दैट इज द रीजन. ये वो चीज़ें हैं जो मैंने किताबों से सीखी हैं और उसको मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया है, तो उससे जो आउटकम मुझे नजर आया वो मैं अपने स्टूडेंट्स को फिर करती हूँ कि जनाब आप भी इस तरह से करो, इंशाल्लाह फायदा होगा. थ्रू राइटिंग वी नॉट ओनली परमानेंटली लॉक द इंफॉर्मेशन विद अस,
अब राइटिंग के जरिए वो जो आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ी हुई है ना, लाइक आज का जो आपका लेसन है, अगर आप इसको घर जाके थोड़े से इसके पॉइंट्स बना लेंगे ना, आपने परमानेंटली ये सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में लॉक कर ली है. बट आर ऑल्सो एबल टू कॉन्टेम्पलेट एंड एड आवर ओन ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन टू इट. बल्कि आप कॉन्टेम्पलेट कर लेते हैं और एड कर लेते हैं अपनी ही ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन को उसके अंदर भी. Therefore, if a person writes less, he needs to have a great memory to be able to recall each and everything learned. अगर एक इंसान के अंदर लिखने की सलाहियत कम है या वो चाहता ही नहीं है कि मैं लिखूं, तो फिर उसको each and every recall करने के लिए एक बहुत बड़ी memory चाहिए होती है. If he communicates less, और अगर वो communicate कम करता है, he must have extraordinary wit and intelligence to be able to create a report, but he reads little. He will have to use extreme cunningness to disguise his ignorance. Studies should include reading. Study mein reading jo hai wo include honi chahiye, which gives depth. Reading aapko depth dehi. Speaking which adds readiness to thought and writing which trains in preciseness. The author ascribes certain values to individual fields of study. Wisdom comes from history as people learn from mistakes. Intelligence from poetry, literature. As an artist thinks lofty thoughts, foresees and subtly expresses it in words. Author jo ascribe karta certain values to individual field of study. Wo kehta wisdom jo hai wo history se aati hai. क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वो मिस्टेक से लर्न करते हैं. जो हिस्ट्री में पास्ट लोगों ने बहुत सारी चीजें लिख दी होती है ना, वो वहां से हम उनकी मिस्टेक से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं. और इंटेलिजेंस पोइट्री से आती है, लाइक लिटरेचर. एज एन आर्टिस्ट जो है वो लॉफ्टी थॉट्स जो है वो सोचता है, उसको फोरसी करता है. फोरसी यानी कि दूर अंदेशी. एंड सब्टली एक्सप्रेसेस इट इन वर्ड्स, और उसको सब्टली एक्सप्रेस करता है अपने वर्ड्स के अंदर. यानी कि उसकी जो लॉफ्टी थॉट्स होती है उसको वो वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है. सब्टली इज अचीव्ड, सॉरी सब्टलिटी इज अचीव्ड फ्रॉम द मैथमेटिक्स. और सब्टलिटी जो है वो अचीव होती है फ्रॉम मैथमेटिक्स, एज इट टीचेस अस एनालिटिकल स्किल्स एंड एंड्योरेंस. सिमिलरली डेप्थ कम्स फ्रॉम नेचर फिलोसफी एंड सीरियसनेस फ्रॉम मॉरल स्टडी ऑफ रिलीजन. इसी तरह डेप्थ जो है वो आपकी अंदर कैसे आती है, नेचुरल फिलोसफी से, और सीरियसनेस फ्रॉम मॉरल स्टडी ऑफ रिलीजन. ठीक है, आपके अंदर सीरियसनेस कहाँ से आती है? मॉरल स्टडी ऑफ रिलीजन. वॉट एवर सब्जेक्ट वी टेक अप इट मॉडिफाइज अवर परसेप्शन. कोई भी सब्जेक्ट अगर हम उठाते हैं वो हमारी परसेप्शंस को मॉडिफाई करता है एंड इन्फ्लुएंस अवर मैनरिज्म, और वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे मैनरिज्म को. देयरफॉर जस्ट एज सपोर्ट्स हेल्प to cure various body ailments, similarly each mental defect is looked after by various branches of study. If a man lacks concentration and focus, he must study mathematics. अगर एक इंसान जो है lack करता है concentration को और focus को, तो वो उसको mathematics जो है उसको must study करना चाहिए. If he has insufficient knowledge, he must take up higher education. And as they drill information to our minds, and if he realizes that he is weak in arguing, he must take up a lawyer's profession as it will train him to be an efficient debater. आगे चलते हैं. Begin 400 words essay sudden with Latin phrases and highly compressed in thought has intellectual appeal. Begin essays is terse, pithy, packed with thought and reflects the intellectual power of great mind. अच्छा, इसमें जो इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है बेटा, इसमें जो कल वाला जो इंट्रोडक्शन था ना, कल जो आपको ऐसे करवाया, उसका इंट्रोडक्शन आपने इस ऐसे सॉरी कंक्लूजन जो है आपने इस ऐसे के एंड में ऐड करना, क्योंकि वो वाले वर्ड्स जो थे कंक्लूजन के वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और लाइंस भी मेरे ख्याल है 6 to 8 थी उसके अंदर. तो वो देख लीजिएगा और उसको इसके अंदर ऐड करना. आप एक काम करें, सारे एसेस का एक इंट्रो और कंक्लूजन याद कर लें और बीच के सिर्फ पॉइंट्स याद कर लें और उसको फिर अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश कीजिएगा. कुछ लाइंस हैं जो कि बेकन की इसी से स्टडीज से ही रिलेटेड है. टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ, टू सी देम टू मच फॉर
To use them too much for ornament is an affectation, pretension, and to make judgment wholly by their rules is the humor wit capability of a scholar. They perfect nature and are perfectly by experience, for natural abilities are like natural plants that need pruning by study, and studies themselves do give forth direction to much at large, except they be bounded in by experience. और यहाँ पे बेटा इसी का ही मीनिंग लिखा हुआ है. देखिए यहाँ पे लाइंस दी हुई हैं और उसके मीनिंग्स लिखे हुए हैं. इसको जरा देख लीजिएगा. द अबव मेंशन्ड लाइंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्रांसिस बेकन एसेज ऑफ स्टडीज और दिस एंड दैट. बेकन द फर्स्ट मेजर इंग्लिश एसेज एम्फसाइजेस ऑन द वैल्यू ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग. ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स इन नेचुरल फिलोसफी एंड इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी एंड इन द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम रेनेसां टू अर्ली मॉडर्न एरा. ही ऑल्सो पब्लिश टेक्स्ट इन which he speculated on possible conceptions of society. Ab dekhen ye wali jo hai na, they are deeper and more discriminating than any early or almost any later work in English language. Dekhen yahan pe ek quote bhi aa gayi hai, dekh rahe ho. To inko beta zara gaur se padhiyega ki yahan pe kya kya likha hua hai aur in given lines ke andar kya hai, aur even in given lines mein se bhi aapka conclusion aur aapka introduction nikal sakta. ठीक है, तो ये आपका जो है ऑफ स्टडीज जो है वो कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट उस पे चलते हैं, ऑफ फ्रेंडशिप.